मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम उमरा बाईपास पर है, जो सैनिक नगर का इलाका है, जहाँ अब्दुल्ला गरीब टेक्निकल कॉलेज का जो परिसर है वहाँ पे हम है। यहाँ पे लगातार हादसे हो रहे हैं, आए दिन यहाँ पे हादसों से यहाँ के जो रहवासी, आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड के बाजू में यहाँ पे कई लोग यहाँ पे रहवासी रहते हैं, और इस हादसे की वजह से कई बार यहाँ पे लोगों की जाने भी जा चुकी है, लेकिन हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर यहाँ के जो रहवासी है उन्होंने PW डिपार्टमेंट में यहाँ पे एक लेटर दिया था कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ जो तेज़ी से आती है, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है, तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाया जाए ताकि जो गाड़ियों की जो तेज़ी का जो स्पीड है वो कम हो जाए और यहाँ पे हादसे ना हो, इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पे लेटर दिया था। लेकिन तकरीबन 2 महीने का वक्त हो गया है, अभी तक यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाया नहीं गया, जिसको लेकर यहाँ के जो रहवासी उन्होंने नाराज़गी जताई है PWD डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जल्द से जल्द अगर स्पीड ब्रेकर बन जाता है तो यहाँ पे हादसों में कमी होगी। इसी मामले को लेकर हम लोग ने यहाँ पे इनसे मुलाकात की, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ के जो लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अक्सर यहाँ पे जो गाड़ियाँ तेज़ी से यहाँ पे आती है, ख़ास करके जो ओवरटेक करती है, और रात के टाइम में यहाँ पे जो गाड़ियाँ जाती है तो यहाँ पे जो पोल लाइट है वो भी नज़र नहीं आती है, और जिसकी वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के रहवासियों के उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है, यहाँ पे उन्होंने किस तरीके की कार्रवाई की मांग की है, जो स्पीड ब्रेकर जो जल्द से जल्द बनना चाहिए उसको लेकर जो उन्होंने PW डिपार्टमेंट में जो उन्होंने जो पत्र व्यवहार किया, आइए जानते हैं कि उनका इस बारे में इनको लेकर क्या कहना है। परेशानी सबसे बड़ी ये है कि हमारे वहाँ ब्रेकर नहीं है, पहले ब्रेकर था, ब्रेकर तोड़ दिया गया, ब्रेकर सामने ही था, और जब से ये ब्रेकर हटा है समझ लीजिए एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे घर में पूरी गाड़ियाँ घुस जाती हैं, इधर पूरे आदमी हमारे मोहल्ले में लोग लाइन से रोड के किनारे सोते रहते हैं। अब इन लोगों को इतना खतरा बढ़ गया है कि समझिए ओवरटेक करके गाड़ियों को अब पूरा फुल स्पीड में लेके जा रहे हैं। अगर ब्रेकर होता तो कुछ कभी भी ये घटना हो सकती है, एक बार दो बार हुई आदमी बच गया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अभी होगी तो आदमी बचेगा, तो ये खतरा बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन। अभी समझ लीजिए कि अभी 2 दिन हुआ हमारे जानवर भी मर गए, बस दरवाजे में बाहर आए खतरा ही खतरा है, समझ लीजिए। और PWD को लेटर डाला है, हम लोगों ने कितना लेटर डाल के रखे हैं, और ये लेटर का कोई अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सब ऐसा ही पड़ा हुआ है। कौन से डिपार्टमेंट में? PWD हम लोगों ने वहाँ पर भी ये कंप्लेंट डाल के रखा है। 2 महीने तक हमने डाला है, कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। ब्रेकर जहाँ नहीं चाहिए वहाँ बनाया जा रहा है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ बनाया जा रहा है, जहाँ कोई ज़रूरत नहीं वहाँ ब्रेकर बन के तैयार, लेकिन ये जो आवाम रह रही है वहाँ पे कोई इसकी सेफ्टी नहीं दी जा रही है। SK के सामने कोई ज़रूरत है वहाँ ब्रेकर बना दी, कोई ज़रूरत है वहाँ पे SK के सामने? फ्लैट रोड है वहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं बनती वहाँ पे ब्रेकर बना के रखें, और नीचे एकदम एंडिंग में ब्रेकर बना के रखें, और यहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ स्लो वाला रोड है, जहाँ खतरे के निशान है, घटना होती है, वहाँ पे कोई रिपोर्ट बनाया नहीं जा रहा ब्रेकर। अभी हम लोग एक बार गया और जाके मुँह जबानी भी बोला गया, तो बोलते हम करेंगे करेंगे करेंगे, उसके बाद बोलते हमारे पास माल नहीं, अभी ये नहीं आया वो नहीं आया, और हमने बताया कि ये नेशनल हाईवे का मसला है, ये हाईवे पे गाड़ियाँ बहुत स्पीड में जाती हैं जिससे हमारी जान को खतरा है, लेकिन उसका अभी तो कोई इन्होंने पोल के लिए भी बोला गया, पोल भी अभी गाड़ी में जाती तो हिलती है पूरा पोल, और पोल के नीचे का फाउंडेशन गया, टोरेंट वाले भी फाउंडेशन वगैरह बना नहीं रहे, कभी गिर गया कोई हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? ये धोखादायक है, धोखादायक है, इस चीज़ को ना अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो समझिए कोई ना कोई घटना होना ही होना है। यहाँ पर आदमी का निकलना दुश्वार हुआ है, कि आदमी बाहर निकल रहा है तो जान का खतरा उसके लिए, आदमी खड़े होकर अपने दरवाजे पे बात नहीं कर सकता। अगर यही ब्रेकर होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती हम लोग के सामने, और ब्रेकर जहाँ चाहिए वहाँ नहीं लगा रहे। यही है कि ब्रेकर रहेगा, अब उनको तो समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ब्रेकर लगा देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ गाड़ी सोलो लेके आना चाहिए। पहले इंडिकेशन भी थे यहाँ पे रहवासी क्षेत्र, वो भी नहीं है, सब टूटा पड़ा है, कोई भी मेंटेन नहीं हो रहा रोड का, कोई देखभाल नहीं, कभी लाइट रहती है, कभी लाइट चली जाती है, कभी लाइट यहाँ की। हमारे नगर सेवक साहब ने भी कई दफ़ा कंप्लेंट डाला है, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही, मतलब हमारे नगर सेवक सालम भाई उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने भी 2-3 एप्लीकेशन डाला इसके लिए कि ब्रेकर बनाना है करके, उसका पानी की तो दिक्कत तो शुरू से चली आ रही है, पानी की दिक्कत तो यहाँ के समझ लीजिए पहाड़ पे पानी है ही नहीं है, क्या करेंगे, तकलीफ में झेल रहे हैं अभी। उसको लेकर ये कहूँगी कि यहाँ पर कोई भी, हम लोग ने कितना कंप्लेंट डाले कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की, और यहाँ पे हमारे जानवर भी मर रहे हैं, इंसानों की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, जानवरों की तो वैल्यू करोगे सवाल नहीं है उनका भी। मैं बोली कि ओवरटेक करके जानवरों को भी मार के चले जाते हैं, यहाँ पे बच्चों को भी खतरा है, हमारी फैमिली बहुत हादसे से बच चुकी है,
हमारे घर में भी गाड़ी घुस चुकी है, बहुत हादसे से बच गई हमारे घर वाले। आज चलो नसीब थी तो बच गए, अभी अगर खुदा ना खासा कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार कौन हो सकता है बताइए। और इतनी हम लोग को प्रॉब्लम है कि हम लोग बाहर निकलने के लिए भी डरते हैं कि बाहर निकलो तो गाड़ी ऐसी स्पीड में लेके आते हैं कि गाड़ी बाजू में से एकदम दूर से भी जाती तो जैसे हवा एकदम छोड़ के जाती, इंसान हिल जाता है, हिल जाता। इतना हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकर बना के देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी सरकार की। और स्पीड में तो कोई लिमिट ही नहीं है उन लोगों की, कि स्पीड इतनी करके जाते हैं कि उन लोगों को इंसान नज़र ही नहीं आता, इसीलिए हम लोगों को बहुत तकलीफ है। मेहरबानी करके अगर यहाँ पर बनता है तो बना दीजिए, बहुत से जल्द बना देंगे तो अच्छा है। यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट भी हुए हैं और ये सब वीडियो हम लोग डाल भी चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं है। वीडियो तक के हम लोग ने डाले हैं, अभी हमारे पास वीडियो है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि वीडियो भेजा जाए तो हम लोग वो भी करेंगे कि वीडियो भी भेजेंगे जो हादसा हमारे घर में हुआ है। बहुत तकलीफ मिला, ब्रेकर बना के थे, अभी दो तीन दिन हुआ मेरी बकरी मर गई, करके मार के चला गया। इधर हम लोग को कुछ नहीं है, एक बार अभी गाड़ी घर में घुस गई, सब लोग पर इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई ना इधर ब्रेकर हमको बना के देता है सभी करके। अभी पर तीन दिन हुआ मेरा बकरी इतनी बड़ी मर के गई, अब कुत्ता मर गया, अभी क्या बोलने का। उन लोग सब अपना करते हैं, अपना अपना करते हैं, हम लोग को कभी देखने आते इधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ वोटिंग के लिए सब बराबर आएगा, ऐसा नहीं एक एक कंबल एक एक चादर दे के वोट ले ले, वो सब हमें नहीं चाहिए, हमें नल लगा के चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ गाड़ी बराबर भेजेंगे और कुछ भी नहीं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारा ब्रेकर बना के दे, हमें नल। इस बारे में हमने यहाँ के जो परिसर के जो लोग हैं उनसे बात की, उनका कहना है कि अक्सर यहाँ पे पिछले साल भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुए थे और अभी दो तीन दिन पहले ही यहाँ पे एक तेज़ रफ्तार गाड़ी के यहाँ पे जो उनकी जो जानवर है बकरी है वो भी चपेट में आ गई थी। उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पे एक सावधानी के लिए यहाँ पे एक पत्थर रखा है ताकि जो अक्सर जो गाड़ियाँ ओवरटेक के जो डबल ट्रैक पे चलती है ताकि उससे उनको नज़र आए, उन्होंने यहाँ पे पीला कलर भी उसको मारा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि जो एक स्लोप है यहाँ पे ये वो स्लोप की वजह से गाड़ियाँ तेज़ी से यहाँ पे निकल जाती है और जो जो यहाँ पे जो बस्ती है जो यहाँ पे कच्चे घर उन्होंने बना के यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनके ऊपर गाड़ियाँ ना है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर बनाने की उनकी मांग है और यहाँ पे जो स्पीड लिखी हुई है जैसे 30 की स्पीड से यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलनी चाहिए थी लेकिन ये गाड़ी यहाँ पे जो 30 की स्पीड से तो चलती नहीं है, जो स्लोप है 50 60 70 की स्पीड से चलती है। यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे RTO की तरफ से यहाँ पे 30 का बोर्ड लिखा हुआ है कि 30 की स्पीड से ही चलना चाहिए लेकिन यहाँ पे जो गाड़ियाँ अभी हम जो देख रहे हैं वो 30 की स्पीड से कोई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार हादसे बढ़ रहे हैं और यहाँ के परिसर में जो लोग रहते हैं जो यहाँ पे वो काफ़ी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि कभी भी यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता है और इस हादसे में उनकी जानी नुकसान होएगा, उसका जिम्मेदार कौन है। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, देखते ही रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होऊंगा।